बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीकेकार है कि जिसकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, वो तरीकेकार कि जिसकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो तरीकेकार क्या कहलाता है? वो तरीकेकार बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। इसको आप डिजीज के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी जो अगर नई डिजीज आती है तो उसका इलाज साइंटिस्ट जो वो कैसे जो वो निकालते हैं। आज हमने उस उन तमाम चीजों को पढ़ना है, उन स्टेप्स को पढ़ना है कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं कि जिनको परफॉर्म करके एक साइंटिस्ट जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है वो रिजल्ट निकालता है, उसका कॉज जो वो निकालता है। पहला स्टेप इसमें होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। किसको कहते हैं जी? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा, किसी भी चीज का बगौर मुशाहिदा करना, गौर और फिक्र करना। ठीक है, इसको हम यूं कह लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात का इकट्ठा करना, डेटा का इकट्ठा करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये दो तरह से होती है। नंबर वन इज क्वालिटेटिव एंड नंबर टू इज क्वांटिटेटिव। यानी ऑब्जर्वेशन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी दो टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो है कि जिसके अंदर हम सिर्फ क्वालिटी को बयान करें, क्वांटिटी को बयान ना करें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई मेरी? ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुई। लेकिन अगर मैं उसके साथ गर्मी के साथ ही बताऊं कि आज कितना जो है वो टेम्परेचर है, आज मिसाल के तौर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी? वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा बेहतर मालूमात फराहम करती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इस ये जो हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में। ये उस वक्त की बात है जब मलेरिया जो है ग्रेटेस्ट किलर डिजीज थी पूरी वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारे लोग जो है वो मलेरिया की वजह से मर रहे थे। अब इसका जो मलेरिया के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है, ये तो मैंने जर्नल बात कर ली कि ये जो है वो ऑब्जर्वेशन होता है। अब इस की जो ऑब्जर्वेशन की मलेरिया की, ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम है लेग्रांज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लड ब्लड ऑफ मलेरिया, ठीक है, इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की, इन्होंने मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड को लिया और उसके अंदर इन्हें एक गैर मामूली चीज, टाइनी क्रिएचर जो है वो नजर आए, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्लास्मोडियम। क्या नाम दिया जी? प्लास्मोडियम। साइंटिस्ट लेग्रांज ने क्या किया, ब्लड मलेरिया के पेशेंट को ब्लड को लिया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसको टाइनी क्रिएचर, ठीक है, छोटी छोटी मखलूकात जो है वो नजर आई, यूं कह रहे हैं आप सेल्स नजर आए, उसको उसने नाम दिया प्लास्मोडियम का। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका इकट्ठा करना, जमा करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कहलाता है हाइपोथेसिस।
क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को उर्दू में मफरूजा भी कहते हैं, जो बात हम फर्ज कर लें, ठीक है, जो बात हम फर्ज कर लें। मैं लिख रहा हूं इंटेलिजेंट गैस, इंटेलिजेंट गैस ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का इंटेलिजेंट गैस, ठीक है, ख्याल, जहनी ख्याल कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इस मलेरिया के हवाले से बात करें तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, उनके ब्लड के अंदर मलेरिया के जो पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर ऑब्जर्व किया था प्लास्मोडियम को। तो अब साइंटिस्ट ने क्या ये कहा कि प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हो सकता है कि ये वजह हो मलेरिया की, ठीक है जी। तो ये है प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये थी साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस, ठीक है, कि हो सकता है कि प्लास्मोडियम वजह हो मलेरिया की। इसकी मिसाल आप ले रहे हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं आपके बोर्ड के, तो आपको आपके टीचर जो हैं वो एक गेस्ट पेपर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर तमाम सवाल लिखे होते हैं, और वो किस बेस पे होते हैं, वो जब पिछले 10 ईयर्स के सवाल होते हैं उस बेस पे उन्होंने एक गेस्ट बनाया होता है कि हो सकता है इस साल पेपर में ये सवाल देखो आए, ठीक है जी। अब वो पक्का नहीं होता कि हो सकता है बिल्कुल वो सवाल आए या ना आए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी जो इंटेलिजेंट गेस होता है साइंटिस्ट का, एक बयान की सूरत में सिंपल फॉर्म के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो क्या थी, प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्या थी, प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्शन का। किसका आता है जी, डिडक्शन का। डिडक्शन क्या होती है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मफरूजे की वजाहत, मंतकी वजाहत, ठीक है जी। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अगर हम इस केस में बात करें, अगर हम इसको यूं समझ रहे हैं कि डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक चीज जो हमें मालूम है उसकी बुनियाद पे हम दीगर का अंदाजा लगाते हैं कि एक चीज ऐसी है तो बाकी तमाम की तमाम चीज ऐसी होगी। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट ने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को जो ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया कि भाई सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर न्यूक्लियस जो मौजूद होता है। अब इस बेस पे उसने ये बात कही कि जितने भी प्लांट के सेल हैं उन तमाम के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। अब मलेरिया के केस के अंदर साइंटिस्ट ने क्या कहा, कहा इस प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट will have plasmodium in their blood। अब मलेरिया के केस की जो डिडक्शन थी वो ये थी कि अगर प्लास्मोडियम बजाय मलेरिया की, जो कि हाइपोथेसिस थी, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन तमाम के ब्लड के अंदर क्या मौजूद होगा, उन तमाम के ब्लड के अंदर प्लास्मोडियम जो है वो मौजूद होगा। ये थी जी इसकी डिडक्शन, ठीक है, मफरूजे की, हाइपोथेसिस की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम डिडक्शन कहते हैं। अभी ये बात सिर्फ जबानी कलामी थी, अभी ये हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, जो हाइपोथेसिस थी वो भी जो है कह लें कि विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, डिडक्शन भी विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। अब डिडक्शन के बाद जो चौथा स्टेप आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बा करके देखा जाता है कि जो बातें हम सोच रहे हैं क्या वो सही हैं या नहीं। तो चौथा स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। अब साइंटिस्ट ने तजुर्बा करना शुरू किया, ठीक है, इसके लिए उन्होंने दो ग्रुप बनाए,
पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के अंदर उन्होंने कितने जो है वो पर्सन लिए 100%, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कितने लिए 100%, ठीक है जी। अब ये जो कंट्रोल ग्रुप थे, कंट्रोल ग्रुप जो था उसमें जो 100% थे वो तमाम के तमाम हेल्दी पर्सन थे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो 100% जो वो लिए थे वो तमाम के तमाम क्या थे, वो तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट थे। अब इन तमाम के ब्लड को ऑब्जर्व किया, जो कंट्रोल ग्रुप थे उनके अंदर प्लास्मोडियम मौजूद नहीं था, और जितने भी एक्सपेरिमेंटल यानी जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उन तमाम के ब्लड के अंदर प्लास्मोडियम जो था वो मौजूद था, ठीक है जी। कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट नेगेटिव आया, प्लास्मोडियम मौजूद नहीं था, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो पेशेंट थे मलेरियल पेशेंट थे उन तमाम के ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, प्लास्मोडियम जो है वो मौजूद था। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था इसके बाद जो उसको कंक्लूड करते हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और वो है रिजल्ट। वो क्या है, रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या आया जी, क्या रिजल्ट आया जी, कि हमने देखा कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन तमाम के ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, प्लास्मोडियम मौजूद था, और जो हेल्दी पर्सन हैं उनके ब्लड में मौजूद नहीं था। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लास्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के प्लास्मोडियम ही वजह है मलेरिया की। अब ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से वाजे हो गई थी, ठीक है, अब ये प्रूफ हो गई थी बात, तो लिहाजा हालांकि ये वही बात है जो हाइपोथेसिस के अंदर साइंटिस्ट ने कही थी, लेकिन उस वक्त इसका कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो मौजूद नहीं था, यानी बात प्रूफ नहीं थी, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट के जरिए से बात प्रूफ हो गई कि प्लास्मोडियम ही वजह है मलेरिया की। रिजल्ट के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लॉ ऑफ क्यूरी, ठीक है जी। अब जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तो फिर ये पूरी जो कह लें कि ऑब्जर्वेशन तमाम स्टेप्स होते हैं और पूरी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसको साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर जो वो पब्लिश किया जाता है, साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर पूरी वर्ल्ड के जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उनके अंदर उसको पब्लिश किया जाता है। और ये पब्लिश क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी उस फील्ड से रिलेटेड साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट मौजूद हैं वो तमाम के तमाम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लें कि आया सबका रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कि सबका रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब जब वो साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो जाता है और तमाम बायोलॉजिस्ट जो है वो उसको कह लें कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं अपने अपनी ऑब्जर्वेशन, जाहिर है हर बंदे की ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो अगर सबका रिजल्ट सेम आता है तो फिर उसको दर्जा मिलता है लॉ और थ्योरी का। अब जरा गौर कीजिएगा, लॉ और थ्योरी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मैं थ्योरी यहां पे लिख देता हूं, सेट ऑफ साइंटिफिक एजम्पशन सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये मैंने जो थ्योरी की एक डेफिनेशन लिखी है कि वो तमाम बातें, उन तमाम बातों का मजमू, साइंसी मफरूजों अजम्पशन का मतलब रेफर्ड कर लेना, सपोर्टेड बाय एविडेंस, जिसको सबूत के साथ हम जो वो सबूतों का भी सहारा उस बात को हासिल हो, वो तमाम चीजें, वो तमाम साइंसी मफरूजे को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो भी थ्योरी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जो कि बाद में साइंटिस्ट जब उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो वो गलत साबित होती हैं। मिसाल के तौर पे
साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं नॉन लिविंग से, थ्योरी गलत, ठीक है। बाद में साइंटिस्ट ने, सबसे पहले एरिस्टोटल ने बयान किया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह ताला उसी के ऊपर होगा। इसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअल चेंज जो आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जो है वो चेंज होती है और एक बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। लमार्क की जो थ्योरी थी, चैप्टर नंबर 17 के अंदर उसको पढ़ेंगे, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उस वक्त तक तो सही थी, लेकिन बाद में दीगर साइंटिस्ट ने उसे क्या कर दिया, उसे फॉल्स करा दिया कि ये थ्योरी जो है वो सही नहीं है। तो थ्योरी जो है वो बाद में गलत भी साबित हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये हतमी बात होगी कि बिल्कुल इसी तरह होता है। अच्छा जी, लॉ और थ्योरी में फर्क ये है, लॉ ये बताता है कि क्या हो रहा है, लॉ ये पेशेंट को ही करता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जबकि थ्योरी ये बताती है क्यों हो रहा है, उसको पूरी वजाहत करती है कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेट ऑफ साइंटिफिक एजम्पशन, ठीक है, साइंसी मकरूजों का सेट, मजमुआ, सपोर्टेड बाय एविडेंस, कि जिसके साथ एविडेंसेस भी मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ और थ्योरी कहते हैं, ठीक है जी। ये था आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। इसके अंदर जिस चीज को हमने स्टडी किया वो किया मलेरिया को, कि हमने देखा कि साइंटिस्ट ने कैसे जो मलेरिया का इलाज यानी उसका जो कॉज था वो निकाला, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।